आते हफ्ते डांस करते हुए देखकर मास्टर फिरोज ने उन्हें एक दीवा कहा था। तो आ रही है फिरोज की फौज से दिल्ली की डांसिंग डायनामाइट जूही। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवाना कौन है या मोहब्बत का सुरू, ये मेरा दीवाना कौन है या मोहब्बत का सुरू, न पहचान परफॉर्मेंस। तो चलिए फिर जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर मुदस्सर से। मुदस्सर जी, आप अभी श्रुति की तरह बोलोगे। ओ थैंक यू सर। जूही, मैं आपको एक बात बोलूंगा, इट वॉज अ सिजलिंग एक्ट। थैंक यू सर। इट वॉज वॉटर ऑल अराउंड but it set the stage on fire. Dada, जूही ने जो ये परफॉर्मेंस किया है इतना कमाल का था, उसकी एक थिन लाइन होती है, थिन से भी थिन से भी थिन लाइन होती है, एकदम थिन लाइन, वो क्रॉस नहीं किया उन्होंने, और एक पैशनेट परफॉर्मेंस के साथ साथ एक क्लीन प्रेजेंटेशन भी दिया उन्होंने। तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बैलेंस पे भी ध्यान दें, और यहां आके आपने तो मुझे डरा ही दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मैं मास्टर फिरोज से कहना चाहूंगी, मास्टर फिरोज टू गुड परफॉर्मेंस, टू गुड कोरियोग्राफी। डीआईडी के सीजन 4 है जैसे हम सब। आई एम सो इंप्रेस्ड। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। फैंटास्टिक। दादा, अब मास्टर श्रुति किस टाइम में बात करेंगी? मास्टर श्रुति अभी मुदस्सर के साथ। क्या बात है, तो फिर शुरुआत यहां से कीजिए फिर मास्टर श्रुति। जूही, देखो मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि एक अच्छी कोशिश थी आपकी, बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन क्या है ना, अभी बोलना तो पड़ेगा मुझे। बोलना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूं
क्योंकि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप पूरे पूरे गाने की कहानी भी बता सकती हैं चाहे तो। तो आप जैसे तब से सिर्फ टांग दिखी, टांग के बाद दूसरी टांग दिखी, दूसरी टांग के बाद आप पूरा बैक बेंड करके बाहर निकल के आ गई। व्हाट अ प्रेजेंटेशन, वेरी गुड स्टार्ट। तो उसके बाद आप घूम के यहां आई, उसके बाद आपने ऐसे चल के जो एक्सप्रेशन, जो ही आपके जो एक्सप्रेशन है फैंटास्टिक, उठे और आप चल के इधर आए, आपने बैलेंस किया और आपने एक्सटेंशन किया, सबने देखा ये। एक बार बोला था मैंने ये खाली पकड़ देखा ये है। हाँ, ये एक हाँ। दो बार ही बोला मैंने, सबने देखा। हाँ, आगे उसके बाद अब वापस पानी शुरू हो गया, फुआरा निकल रहा था, पानी का फुआरा, फुआरे में आप गए और उसके बाद आपने वापस बैलेंस का एक्ट किया वहां पे। तो बैलेंस का एक्ट जो आपने किया, इतना बोलता हूँ मैं अभी, ये तो एडिटेड वर्जन है। बता देना जब मास्टर मुदस्सर का खत्म हो जाए तब। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे हम लोगों को, मुझसे गलती हो गई। आपके प्रेजेंटेशन के लिए जूही, और आपने जिस तरीके से परफॉर्मेंस, अनअबैशड परफॉर्मेंस दिया, उसके लिए झुम्बारी जिरी जिरी जैम झटाक परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम। मास्टर फिरोज, आप मुदस्सर के स्टाइल में बोलिए। मैं दो बार क्यों मरूं? तो मैं फिरोज को देखना चाहता हूं। तो मैं बोलना चाहूंगा, आपने जो टप से निकली, क्या पैर थे, क्या पैर थे, क्या पैर थे, मतलब एक्सटेंशन इतना अच्छा था आपका कि मतलब एकदम पॉइंटेड टोज, सुपर, वेरी नाइस। और जब आपने वो गाने की पहली लाइन शुरू हुई, ये मेरा दीवानापन है, फिर तो मतलब आपने तो कमाल ही कर दिया, घंटा कमाल ही कर दिया आपने, सुपर बोले तो एकदम फैंटास्टिक। मगर एक बात जरूर बोलूंगा, डांस पे आता हूं। जब आपने बैलेंस आपसे मिस हो गया, तो मुझे लगा कि शायद उसके बाद में आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, मगर आपने पकड़ के रखा, आप पोल पे गई, एक टर्न लिया पोल डांसिंग का और वापस आप नीचे टब में आई, उसके बाद में आपने बैलेंस पकड़े रखा, तो फॉर दैट सुपर सुपर सुपर। अगर आप लोगों को बुरा नहीं लगे तो मैं मुदस्सर सर की तरह बोल सकता हूँ? हाँ दादा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने जब शुरू किया, टक 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 तीन आवाज आई, उसके बाद आपने जो शुरू किया, पहले आपकी एक टांग बाहर आई, उसके बाद दो आई, उसके बाद आप 180 लिए, उसके बाद आपने जो बेंड करके बाहर आई, उसके बाद आपने एक सेक्शन किया, छोटा सेक्शन, उसके बाद वहां से आप गई ऊपर, गई वहां से जो लेके जो आप ऊपर आई, वहां से आप चल के इधर आके जो अपने नीचे जाने के बाद आपने जो ये लुक दिया, फिर वहां से अभी उसके बाद पानी गिरा, पानी पानी में प्रॉब्लम था, पानी आ रहा जा रहा, लेकिन उसके बाद भी आपने थोड़ा सा स्लिप करने के बाद, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं, लेकिन बट करने के बाद जो पानी के साथ आप खेलने लगी, वाह वाह वाह, उसके बाद आपने फिर पोल डांसिंग करके नीचे आके जो किया, मैंने एक लाइन में फिरोज बट एनीवे अभी परफॉर्मेंस की बात करता हूं, इट वॉज फैंटास्टिक, सिजलिंग। थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात, थैंक यू सो मच, क्या बात, थैंक यू सो मच। जूही, जोरदार ताले हो जाए जूही के लिए। और अब ग्रैंड चैलेंज पर उतर रहे हैं हमारे अगले डांसिंग स्टार, पेश है श्रुति के शानदार से बीट किंग सुबेद। Hey.
जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसे लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। सुमित, यस सर, सुपरस्टार यू आर, सुपरस्टार। आपने एक रिवर्स अपसाइड डाउन किया, जो कि विजुअली पहला लगा कि आप सीधे बैठे हो, सब कुछ सीधी हो रही है, पानी गिरना, पेपर फ्लाई होना, कन्फेटीज को गिरना, विजुअली बहुत ही प्यारा था। फिर आप नीचे आए, आपने एक छोटा सा प्रॉप यूज किया, बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई थिंक इट वॉज सुपर एक्ट। थैंक यू सर, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुमित, बहुत फ्लो है आपके पॉपिंग में, द वे यू डू इट्स प्योर पॉपिंग। थैंक यू सर। बीच बीच में जो जर्क्स देते हो आप, हल्के हल्के हिट्स देते हो ना, वो हिट्स से ही आपका बॉडी का लुक अच्छा आता है। ट्रूली अ गुड पॉपर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वाश्रुति, सुमित, मेगा ऑडिशंस के टाइम पे हमने आपका नाम रखा था बीट किंग, वो आज जाके फुल्ली जस्टिफाइड हुआ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर। ग्रैंड मास्टर, मुझे आपको देख के कहीं कहीं हमारे प्रिंस साहब याद आ जाए। प्रिंस इज द किंग यू नो ऑफ डीआईडीज लॉकिंग एंड पॉपिंग। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नाउ। प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाए, जोरदार ताले हो जाए सुमित के लिए। और अब बुलाते हैं श्रुति के शानदार से कोलकाता की डांसिंग डॉल सुनिकेता। Vala Vindya Shirodhini
परफॉर्मेंस, क्या बात है। साक्षात काली माता, सुपर। मास्टर से जानना चाहोगी? सुनिए दा, आपने जो पेश किया है आज, इट्स अनबिलीवेबल। ठीक है, थैंक यू। आपकी जितनी हाइट है ना, आज आप उससे 100 फीट ऊंची उड़ी हैं। तो फॉर दैट आई विल से इट वाज अ फिरोजेश परफॉर्मेंस। आपने जो स्टार्ट किया परफॉर्मेंस, जस्ट यू आर स्टैंडिंग, मतलब उसमें कोई स्टेप नहीं था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, जस्ट आपका फेस और आपका लुक था, वो परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका था। आप खड़े खड़े आपने डांस किया, मतलब दैट इज, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता बिना कोई स्टेप किए। जब आपने अपने आप को ट्रांसफर किया एक नॉर्मल एक्सप्रेशन से दूसरे क्रोधित एक्सप्रेशन में, आपने अपने आप को चेंज किया, वो एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको बोलूंगा यू आर फायर। थैंक यू सर। मास्टर श्रुति, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप, इन्हें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल गए हैं, आपको क्या कहना है? नटराज स्टाइल में झुम्बारी झिरी झिरी झाम झटाक। थैंक यू मैम। ग्रैंडमास्टर, आपको सुनी केदा का परफॉर्मेंस कैसा लगा? फैंटास्टिक, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आखिर नहीं फिरा पाए हम, इसे कहते परफॉर्मेंस। एक बात बताइए, इनमें से कौन है जिसके सीने पर आप कदम रख के जीभ निकालना चाहती है? मनन। मनन, जाओ सो जाओ। बधाई हो, आपको यह मौका मिल चुका है, आइए लेटिए। मनन सो जाओ। रेडी? वेरी गुड, थैंक यू मनन। दादा, मनन और सुनिकेता हर एक घंटे चालू ही रहता है दादा, और हर 3 घंटे सुनिकेता रोती है। क्या दोनों का झगड़ा चलता रहता है? हाँ जी, पूरे टाइम। क्या भाई, हेलो। इसकी एक बहुत गलत हैबिट है, ये लड़के को लड़की बना देती है, ऐसे बोलती है मैं तेरे को मारेगी, मैं तेरे को बहुत मारेगी, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है इसलिए, मैं इसलिए लड़ लेता हूँ इसके साथ। क्यों भाई, सुनी के था, क्या बात है बताओ? वो मेरे को फर्स्ट में मारती है, फिर मैं उसको मारती हूँ। उस दिन मेरा बाल बहुत जोर से खींचा था, ये जब मैं गुस्से में आ गई चिल्लाई, सब लोगों ने मेरे को डांटा कि तू मनन को मार रही है, लेकिन वो मेरे को पहले मारता है फिर मैं उसको मारती हूँ। अच्छा, सच मुझ बता तुम कैसे मारती हो, सब कुछ सच मुझ बता तुम कैसे मारते हो उसको, कितने मतलब फोर्स बताना, फिर वो बाल पकड़ेगी। नहीं, मुझे देखना, फाइनल करना आज। हाँ एकदम, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मुझे और देखना नहीं है, मुझे और देखना नहीं है। चलो तुम उसको हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ दोनों, एक दूसरे को सॉरी बोलो। वेरी गुड, दोनों एक बार जप्पी मारो, जप्पी मारो दोनों। हाँ वेरी गुड, चलो थैंक यू, चलो बैठ जाओ। और अब पेश है मुदस्सर की मंडली से द इलेक्ट्रिफाइंग श्याम यादव। अरे लाइट को क्या हो गया भाई, लाइट क्यों बंद हो गई? Oh, my.
okay, let there be light. मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। शाम आपने क्रम्प हॉप किया, आई थिंक विद द आउटफिट कहीं जाके वो मुझे कंट्रोल सा लगा, इट कुडंट कम आउट वेरी वेल। आपने जो फ्लोर नीचे जाके फ्लोर पे आपने जो फुट वेव किया, दैट वाज रियली वाव फॉर मी। ओवरऑल वाज नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। शाम जी मैम, बहुत डिफिकल्ट होता है कि लाइट को कोऑर्डिनेट करो, कॉस्ट्यूम का टाइट होने की वजह से जो डांस करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाना, बट आपने वो किया और वो एक बेहतरीन परफॉर्मर का एक ट्रेडमार्क साइन होता है शाम, एंड वो आप हो एक बेहतरीन परफॉर्मर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। शाम, कॉस्ट्यूम्स के लिए जहां तक मैं भी थोड़ा सहमत हूं, बिकॉज एक्चुअली जो शाम ये है वो ये है नहीं, मतलब ये आग है, ये और रियली अ फायर। ऑल द बेस्ट शाम। थैंक यू सो मच। शाम, कभी कभी क्या होता है कि आपका दिन खराब हो जाता है, द डे यू थिंक इट शुड हैपन उस दिन होता नहीं, बट इससे ये मतलब भी नहीं होता है कि आपका टैलेंट खत्म हो गया। पिक्चरें फ्लॉप होती हैं, टैलेंट फ्लॉप थोड़ी होता है। वेरी गुड, है ना। थैंक यू। Thank you so much, Grandmaster, and thank you so much, Shyam, for this superb performance. Thank you. Please take a seat. Thank you. India, dance with your dance. और अब पेश है श्रुति के शानदार से पुणे की डांसिंग स्टार मीरा। चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो पंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा, रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगाम। राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। धन धन हो में कुटवन से लीला ना श्रृंगार, इन दर से चुल्लो न तेरी पतलो कंदोरो, शोभे रानी रुड़ रंग सिंगोरो, प्रेम को खिड़ा छे आराम लीला, बंटोड़े चढ़िया छे आराम लीला, राम लीला। जानते हैं मास्टर से, और सबसे पहले पूछेंगे मास्टर फिरोज से। आपने दो मिनट सैंड के बीच में प्लस बराबर में आग लगी हुई है, आई थिंक आपने यू सेट द स्टेज ऑन फायर मीरा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मीरा, आपने स्टेज पे भी आके डांस किया और सैंड भी यूज की, बहुत अच्छा था, मतलब स्टनिंग, आई कैन से स्टनिंग। सो ऑल द बेस्ट मीरा।
यस मैम। हर एक डांस में ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने जिस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल किया उसकी वजह से आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मीरा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर मीरा, सभी ने सब कुछ कह दिया जी दादा, लेकिन ये मैं दो हफ्ते से नोटिस कर रहा हूं। यू नो एंड ऑफ द सॉन्ग यू लूज योर ब्रेथ, ऐसा लगता है कि आप टायर्ड हो चुके। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि डू यू लूज ब्रेथ? ग्रैंड मास्टर आई विल वर्क ऑन इट। तो मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आई थिंक इट वॉज अ स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताजा हो जाए मीरा के लिए। थैंक यू। और अब पेश है श्रुति के शानदार से दिल्ली की डांसिंग स्टार सृष्टि। चलिए फिर जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। सृष्टि, आपके परफॉर्मेंस में जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, आपकी शुरुआत और आपकी एंडिंग। ओके, इट वाज अ वेरी वाव मोमेंट जब आप पूरा रिवर्स स्लाइड होके आई बार पे से, आपने जो एंड किया हार्नेस के ऊपर। मुझे सॉन्ग थोड़ा ओवरपावरिंग लगा डांस के हिसाब से। ओके, सो ओवरऑल सृष्टि इट वॉज रियली रियली नाइस परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एक मूवमेंट मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आपके लिए लोग तारीफ कर तालियां बजाए, वो है आपका स्प्लिट रोल। थैंक यू। इट वॉज सो नाइस। थैंक यू। इट वॉज सो नाइस। सो वर्क हार्ड एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आपका एक धमाका देखने मिलेगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मास्टर मुदस्सर। मास्टर श्रुति, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सृष्टि। आपके लाइन्स, आपकी मेच्योरिटी डांसिंग में कि कितना कितने स्टेप में क्या देना चाहिए, सृष्टि ब्यूटिफुल कोरियोग्राफी सेंट्रिक परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सृष्टि। यू आर वेरी ग्रेसफुल डांसर। वेरी ग्रेसफुल। एवरी डे आई एम सीइंग यू, यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्रोइंग एंड यू आर ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। बाकी क्या होगा देखते हैं। But very well done. Thank you. Thank you so much, Grandmaster, and thank you so much. Thank you, sir. आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए।